डीएमएफटी के द्वारा चयनित 14 विशेषज्ञ चिकित्सकों को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। जिले के स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए जिला प्रशासन ने 14 चयनित विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। समरणालय सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सांसद जयंत सिन्हा, बरही विधायक उमा शंकर अकेला, बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद, उपायुक्त नैन्सी सहाय, उप विकास आयुक्त प्रणा दीक्षित के द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। मौके पर सांसद जयंत सिन्हा ने सभी चयनित चिकित्सकों को बधाई देते हुए अपनी सेवाओं को संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करने की बात कही। उन्होंने विशेष रूप से जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी तथा उनके गैप को कम करने के लिए जो उल्लेखनीय कार्य किया है उनके लिए निश्चय ही प्रशंसा के काबिल है। उपायुक्त ने कहा 14 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है तथा आगामी कुछ दिनों में कुल 138 स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। डीएमएफटी के द्वारा इन स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन मद में 14 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होंगे। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। जिले के लिए बहुत हर्ष का दिन है। आप सबको मालूम है कि जब हम लोग स्वास्थ्य केंद्र वगैरह जाते थे तो सब जगह लोगों की शिकायत यही थी कि अगर बिल्डिंग बन भी गई है तो वहाँ ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना टेक्नीशियन है, ना कोई स्टाफ है। हम लोगों ने सब लोग मिलकर, जनप्रतिनिधियों ने, माननीय विधायकों ने और हमने प्रशासन के साथ मिलकर ये तय किया कि डीएमएफटी, जिसकी बहुत बड़ी राशि अब हम लोगों को मिल रही है, जो लगभग सालाना हम लोगों को करीब 100 से 150 करोड़ तक मिल रही है, इसके द्वारा हम लोग सर्वे करवा लें, देख लें कहाँ कहाँ कौन कौन से स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या ज़रूरतें हैं, चाहे वो स्पेशलिस्ट हों, चाहे वो जनरल फिजिशियन हो, नर्स हो, टेक्नीशियन हो, इसका पूरा सर्वे कराकर हम लोग इन लोगों की बहाली कर लें, जिसमें कि आम जनता जब भी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं तो उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा मिले। आज बहुत खुशी हो रही है ये चिट्ठियां देकर, क्योंकि आज हम लोगों ने 14 स्पेशलिस्ट को हम लोगों ने नियुक्ति उनकी करवाई है। आगे के कुछ दिन 15 जनवरी तक लगता है कि और भी सब मेडिकल ऑफिसर्स की हम लोग नियुक्ति करा लेंगे और जल्द से जल्द जो 138 लोग हैं जिनकी ज़रूरत है आज ज़िले में, उनको हम लोग चयन करके हम लोग अपना स्वास्थ्य केंद्र भिजवा देंगे। तो साथ ही आपको दर्शाता है कि अगर हम लोग इनोवेटिव सोच रखें, नई सोच रखें, तो जो ज़िले में ज़रूरतें हैं इनको हम लोग पूरा कर सकते हैं और जनता को जो आवश्यक सुविधाएं देनी है वो हम आवश्यक सुविधाएं दे सकते हैं। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन ने इस पे बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है, उनको हम लोगों को बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए, उनको बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने तो निर्णय ले लिया लेकिन उसको उन लोगों ने ज़मीन पर बहुत तेज़ी से और बहुत बढ़िया तरीके से उतारा है, उनको फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ जो हम लोगों ने रिक्रूटिंग की, जो हम लोगों ने बहाली की, उसमें सैकड़ों लोगों ने अप्लाई किया है, सैकड़ों लोगों ने अप्लाई किया है, और ये भी आपको बताता है कि हजारीबाग ज़िले में लोग उत्साहित हैं काम करने के लिए, अपनी सेवा देने के लिए, और इसलिए हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है आज कि वो फिर हम लोगों के डॉक्टर बनेंगे और यहाँ के सब आम जनता को अपनी सेवाएं देंगे। आप सबको नियुक्ति पत्र दिया गया, है मैम, कितने खुशी का पल और कितना अच्छा लगा। हम लोग अभी आज डीएमएफटी से हम लोग जिले भर में डॉक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोगों ने 14 जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जिनकी हम लोगों ने नियुक्ति की उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए हैं और जल्दी उनको हम लोग यहाँ पे हमारे मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल और बरही अनुमंडल में हम लोग पोस्ट करेंगे। और इसके साथ ही साथ मेडिकल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट चल रही है जो कि 20 जनवरी तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इस माह के अंत तक हम लोग कुल 138 पोस्ट हैं पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की मिला के। और आशा है कि इसके बाद हम लोग जिले में जो डॉक्टर्स की और रिसोर्सेज की कमी देखी जाती है उसको हम लोग पूरा कर सकते। मैम क्या कुछ कहेंगे चूँकि आज नियुक्ति पत्र मिला है? हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग अपनी ड्यूटी यहाँ सरकार के द्वारा हम लोग दे सकते हैं। हम यहाँ जितने भी स्पेशलिस्ट हैं हम सब बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़कर आए हैं और हमारे अंदर जो स्किल है हमें बहुत खुशी है कि हम उससे यहाँ के लोगों का और जो यहाँ की गरीब जनता है उनका हम लोग काफ़ी मदद कर पाएंगे और यहाँ की जो हेल्थ की सिस्टम है उसको हम लोग अच्छा कर पाएंगे। पहले से बनिस्बत अब कैसा फील कर रही है? अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि यहाँ पे हम काम करेंगे तो यहाँ पे हमें जो माहौल मिलेगा, हमें जो सपोर्ट मिलेगा उसके लिए और यहाँ का प्रोग्रेस होगा तो हमारे जगह का प्रोग्रेस होगा। व्हाट्स योर नेम? डॉक्टर अंकिता खंडेलवाल।